अल्लाह स्टूडेंट्स आपको याद होगा हम बात कर रहे थे माइल्स एंड स्नो की टाइपोलॉजी और वो टाइपोलॉजी बेसिकली थी स्ट्रेटिकेशन के ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को किस तरह अडाप्ट करती हैं और ये थीम था बेसिकली के ऑर्गेनाइजेशनल अडाप्टेन के हवाले से और ये स्कूल ऑफ थाट बेसिकली बिल्कुल कंट्रेरी है इकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थाट या ऑर्गनाइजेशन और पॉपुलेशन इकोलॉजी स्कूल ऑफ थाट के रेफरेंस से तो ऑर्गेनाइजेशनल अडेप्टन स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली अपने आप को अडेप्ट करती है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन तो एनवायरमेंट का रोल डिसाइसिव नहीं है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फोर्सेस हैं या ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को जिस तरह मैनेज करती है और जिस तरह स्ट्रेटेजाइज करती है वो डिसाइसिव रोल प्ले करता है उसके सर्वाइवल में और उसके ग्रोथ में तो आज हम और इस सिलसिले में हमने कुछ टाइपोलॉजी पढ़ी थी एक टाइपोलॉजी थी एडमिनिस्ट्रेटिव साइकिल की और एडमिनिस्ट्रेटिव साइकिल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम पे कंपोज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन अपने डिफरेंट स्टेजेस में अपने इवन लाइफ के डिफरेंट स्टेज में ये एडेप्टिव साइकिल एनकाउंटर करती है या ये फेस करती है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब प्रॉब्लम यह है कि वो डायग्नोज करे अंडरस्टैंड करे कि किस किस्म का प्रॉब्लम है और फिर लाइक वाइज सोल्यूशन के जरिए उसे रिजोल्व करे तो दूसरा फिर हमने पढ़ा ये तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की टाइपोलॉजी है दूसरी जो हमने पढ़ी थी स्ट्रेटजीज की टाइपोलॉजी कि कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं अगर खास किस्म की स्ट्रेटजीज जिनको अगर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे तो वो फिर डिफेंडर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं फिर कुछ ऐसी सेटअप स्ट्रेटेजीज हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे तो वो प्रोस्पेक्टर कहलाती हैं और फिर कुछ ऐसी हैं जैसे जिसको फिर हम एनालाइजर कहते हैं तो इन सारी चीजों पे हम कंप्लीट बात कर चुके थे और आज का सेशन हमारा कंटिन्यू होगा एनालाइजर स्ट्रेटेजी पे डिफेंडर और प्रोस्पेक्टर uh, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप पर हम बात कर चुके थे कि हर टाइप में फिर दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव साइकिल की एट्रीब्यूट क्या होंगी यानी हर टाइप स्ट्रेटेजिक uh, टाइप में जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है उसमें एंटरप्रेन्योरियल प्रॉब्लम क्या है और उसके एट्रीब्यूट क्या हैं और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम क्या है उसके एट्रीब्यूट एंड सब्सिक्वेंटली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम तो ये हम इसलिए कर चुके थे हम बात करे थे एनालाइजर के एनालाइजर का क्या प्रॉब्लम uh, है और उसका सोल्यूशन किन चीजों में एनालाइजर ऑर्गेनाइजेशन देखती हैं और किस तरह सोल्व करती हैं तो सबसे पहले बात हमारी होगी एनालाइजर की एंटरप्रिनोरियल uh, प्रॉब्लम क्या है तो एंटरप्रिनोरियल प्रॉब्लम का बेसिक जो फंडामेंटल क्वेश्चन था वो ये ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है हाउ टू लोकेट एंड एक्सप्लॉय न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज वाइल साइमल्टेनियसली मेंटेनिंग अ फर्म बेस ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट एंड कस्टमर्स यानी अब प्रॉब्लम एनालाइजर के जैसे हमने एट्रीब्यूट में बात की थी कि उसका प्रोफाइल एक मिक्स प्रोफाइल है अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस को उसकी स्ट्रेटेजी की वजह से प्लेस करें तो एक एंड पे हमें डिफेंडर्स वाला स्टाइल नजर आएगा जिसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैकेस्टिक होगा दूसरी साइड पे हमें स्टाइल नजर आएगा प्रोस्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी का स्टाइल होगा और जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनिक होगा और एनालाइजर क्या है इन बिटवीन अब एनालाइजर का डायलमा क्या है कि उसने अपने मैकेनिस्टिक उसको मैनेज करना है उसको कंटेन करना, करना है और उसको कंपेटेटर से बेसिकली कंपेरेटिवली या रिलेटिवलीफिशियंट वे में प्रोटेक्ट करना है उस अपनी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट डोमेन को एंड एट द सेम टाइम उसने इनोवेशन भी करना है और इनोवेटिव या न्यू प्रोडक्ट मार्केट एवेन्यूज भी डिस्कवर करने तो ये एनालाइजर का डायलमा है तो जब एनालाइजर की स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल या स्ट्रेटेजीज का प्रोफाइल डिफेंडर और प्रोस्पेक्टर के दरमियान फॉल करता है इसी तरह उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का प्रोफाइल भी समवेयर इन बिटवीन फॉलो लाई करेगा तो ये बात हम डिस्कस uh, कर रहे थे और इसी पे हम फर्दर चलेंगे कि इन डिटेल वेरियस जो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव साइकल्स हैं उनका प्रोफाइल क्या है या उसमें एनालाइजर uh, ऑर्गेनाइजेशन की एट्रीब्यूट क्या हैं सो so, इस प्रॉब्लम को uh, जो अभी मैंने क्वेश्चन रेज किया है इसको एनालाइजर uh, ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिजोल्व करती है तो एनालाइजर ऑर्गेनाइजेशन का आंसर इसमें यही है कि वो हाइब्रिड डोमेन की सर्च करती है दैट इज स्टेबल, उस हाइब्रिड डोमेन ने स्टेबल फीचर्स और चेंजिंग फीचर्स दोनों को कैरी आउट करना है साइमल्टेनियसली अब ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है एनालाइजर के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन साइमल्टेनियसली ऐसे आप समझ लें कि कंजर्वेटिव भी हो और लिबरल भी हो अपने ट्रेडिशनल मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट डोमेन को डिफेंड भी करना है और एट द सेम टाइम्स साइमल्टेनियसली न्यू प्रोडक्ट मार्केट डोमेन सर्च भी करनी है और उसे सक्सेसफुली ऑप्ट भी करना है सो मूव टुवर्ड्स न्यू मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स ओनली आफ्टरिटीन डेमोस्ट्रेटेड और वायबिलिटी का बेसिकली पॉइंट ये है कि कैसे डिटरमिन करे तो इसका फिर सोल्यूशन यही है क्योंकि और एनालाइजर एज अगेंस्ट देयर कंपेटिटर क्विकली न्यू मार्केट की तरफ नहीं जाएगी और क्विकली न्यू टेक्नोलॉजी ऑप्ट नहीं करेगी अपने प्रोसेस में या अपने प्रोडक्शन में बल्कि वो देखेगी वेदर दोडक्ट और मार्केट इज सक्सेसफुल एंड वायेबल और नॉट तो इसने अब अनालाइजर ने एक स्टेप पीछे रहना है प्रोस्पेक्टर से यानी वो फॉलो करेगी यहां पर उसका स्टाइल जो होगा वो इमिटेटर वाला होगा कि कोई भी उस इंडस्ट्री में मार्केट में प्रोस्पेक्टर जिस आ, क्योंकि प्रोस्पेक्टर के एट्रीब्यूट में आपने देखा था कि जी प्रोस्पेक्टर बड़ी क्विकली अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हैं और नई मार्केट्स को सर्च करते है और आप को अडेप्ट करता है, है प्रोस्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन तो उसने एक स्टेप पीछे रहना है प्रोस्पेक्टर से कि प्रोस्पेक्टर अगर सक्सेसफुल है तो फिर क्विकली जो ये एनालाइजर है वो अपने आप को उस तरफ उसने इवॉल्व करना है और प्रोस्पेक्टर की सक्सेस देखते हुए उसने क्विकली उस टेक्नोलॉजी को या उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एडेप्ट करना है तो ये बेसिकली लेकिन एट द सेम टाइम अपना ट्रेडिशनल डोमेन भी नहीं छोड़ना ये इसमें क्रिटिकल पॉइंट है अब एनालाइजर uh, के जो बेसिकली uh, हम इसका uh, तलाश कैसे कर सकते हैं इंडिकेटर्स क्या हैं रियल लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन में तो फिर इसका आंसर हमें नजर आता है कि अगर प्रोडक्ट प्रोफाइल देखें ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स और न्यू प्रोडक्ट्स की और फिर उनसे जितना भी रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन को आ रहा है या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है प्रोडक्ट से या सेल्स के सेल्स को भी इंडिकेटर के तौर पे लिया जा सकता है तो फिर हम उसके मुताबिक देख सकते हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कौन सा स्टाइल फॉलो कर रही है क्या वो डिफेंडर है क्या वो प्रोस्पेक्टर है या क्या वो एनालाइजर है तो एनालाइजर में ना सिर्फ अपने ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन को प्रोटेक्ट करते हुए ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली अपने आप को न्यू प्रोडक्ट मार्केट डोमेन्स को इस्टेब्लिश किया तो इन दैट केस इट विल बी विलइडेंटिफाइड एज एनालाइजर तो ये एनालाइजर का मसला है अब हम आते हैं कि जी एनालाइजर ने अब साइमल्टेनियसली दोनों टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है इन टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज की तरफ मैं पहले भी रेफर कर चुका हूं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आप पढ़ते हैं या इवन मार्केटिंग मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी दो लीडिंग स्ट्रेटजीज होती है खासतौर पे मार्केटिंग परस्पेक्टिव में एक तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करें और दूसरा मार्केट डेवलपमेंट है लाइक डिफरेंट न्यू जोग्राफिकल या पॉपुलेशन जो है एरियाज उनको सिलेक्ट करें और वहां अपने मार्केट को सक्सेसफुली पहुंचाए तो प्रोडक्ट डिवेलपमेंट और मार्केट डिवेलपमेंट ये स्ट्रेटेजीज है हमने देखा कि جناب डिफेंडर वो एसेंशली ट्रेडिशनल प्रोडक्ट और मार्केट डोमेन को इंगेज किया हुआ प्रोस्पेक्टर बहुत क्विकली न्यू मार्केट्स की तरफ जाता है और न्यू uh, प्रोडक्ट्स uh, की तरफ जाता है तो यहाँ पे एनालाइजर का प्रॉब्लम यह होगा कि वो ग्रोथ के सॉल्यूशंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए uh, uh, देखेगा कि जब उसने दोनों के प्रोफाइल को मेंटेन करना, करना है यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट दोनों एट्रीब्यूट को कैरी आउट करना है अब हम बात करेंगे एनालाइजर uh, के इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के बारे में क्योंकि उसका uh, ये तो है एंटरप्रेनोरियल प्रॉब्लम कि किस तरह वो मार्केट के साथ अपने आप को एंगेज करे किन एरियाज में तो उसके सलूशन उसका क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन की हमने बात की है अब है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का मतलब ये है कि उसका प्रोडक्शन प्रोसेस या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आउटपुट के हवाले से उसके सॉल्यूशंस कैसे एनालाइजर ऑर्गेनाइजेशन देख सकती है तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये यह है हाउ टू बी एफिशिएंट इन इट्स टेक्नोलॉजी विच अ स्टेबल पोर्शन एंड फ्लेक्सिबल पोर्शन डिमांड्स तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के हवाले से जो बात है कि जैसे हमने प्रोफाइल में देखा था कि जी स्ट्रेटेजी का प्रोफाइल भी दो हिस्सों में या दो किस्म की एट्रीब्यूट रिफ्लेक्ट कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी लाइक वाइज उसने दो एट्रीब्यूट डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है तो यहाँ पे एनालाइजर का भी अगेन प्रॉब्लम ये है कि जो टेक्नोलॉजी उसने यूटिलाइज करनी है उसके भी दो आस्पेक्ट हैं एक तो टेक्नोलॉजी का स्टेबल पोर्शन है स्टेबल कॉम्पोनेंट है और फिर एक टेक्नोलॉजी का ऐसा है जिसने क्विकली अपने आप को अडाप्ट करना है चेंज करना है तो टेक्नोलॉजी के अगेन बिकॉज एनालाइजर ने अपने दोनों तरीके से अपने आप को यूटिलाइज करना है तो कुछ इन्वेस्टमेंट उसके फिक्स और स्टेबल पार्ट में होगी और कुछ उसकी इन्वेस्टमेंट चेंजिंग टेक्नोलॉजीज में होगी तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनालाइजर ऑर्गेनाइजेशन ने लर्न करनी है क्योंकि उसने दोनों टेक्नोलॉजी की बेसिकली डिमांड्स मुख्तलिफ है और वो कंफ्लिक्टिंग डिमांड्स हो सकती हैं इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इतना ईजी जॉब नहीं है क्योंकि इसके जो स्टेबल कॉम्पोनेंट है टेक्नोलॉजी का उसकी एट्रीब्यूट उसकी वैल्यूज उसकी डिमांड्स और होंगी और जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी है जो चेंजिंग कॉम्पोनेंट है जो फ्लेक्सीबल कॉम्पोनेंट है उसमें लोगों की बिहेवियर और लोगों का कल्चर लोग, वैल्यूज ठीक है और उनका प्रोफाइल और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की एट्रीब्यूट्स और होंगी और इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना एनालाइजर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग अ टास्क सो इक्वली कैसे इस्टेब्लिश करेगी कि अगेन डिफेंडर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट जो था टेक्नोलॉजी का वो फंक्शनली ऑर्गेनाइज था रोटीनाइज था स्टैंडर्डाइज था और प्रोस्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का हम पार्ट देखते हैं कि वो बेसिकली डाइवर्सिफाइड है है, है और इनोवेटिव है अब दोनों प्रोफाइल को एनालाइजर ऑर्गेनाइजेशन ने एक खूबसूरत करना है क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन इज हाउ टू डिफ्रेंशिएट दी ऑर्गेसन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस टू अकोमोडेट बहुत स्टेबल एंड डायनामिक एरिया ऑफ ऑपरेशन पॉइंट ये है वही बात जो पहले में आपको इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जाहिर है स्पिल ओवर होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव uh, प्रॉब्लम के साथ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो डिफरेंट और कंप्लीटली तकरीबन डिफरेंट अपोज ट्रेड रिटेन करनी है विद इन वन बॉडी विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब ये प्रॉब्लम जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये डिफेंडर में नहीं है प्रॉब्लम और ये प्रोस्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में भी नहीं है क्यों क्योंकि वो सीधा सीधा जिस ट्रैक पे हैं उसी ट्रैक पे चल रहे हैं और वो एक खास स्कूल ऑफ था या नजरिया या बिलीफ सिस्टम है जो मेकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे प्रोस्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आपने ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन uh, के एट्रीब्यूट हैं वो उनपे फॉर्मली बिलीव करते हैं और फिर रिजल्ट लेते हैं लेकिन एनालाइजर ने साइमल्टेनियसली एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो डिफरेंट uh, को एनालाइजर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट जो अनकन्वेंशनल है जिसको हम कहते हैं जिसको मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन यानी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिशनली tra जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो नहीं है बल्कि यहाँ पे डुअलिटी ऑफ कमांड है कि एक uh, जो रिस्पॉन्सिबल क्वार्टर uh, है उसके ऊपर दो अथॉरिटीज हैं एक वर्टिकल है एक हॉरिजोंटल लेवल पे है तो फंक्शनल लेवल पे हो सकता है और प्रोडक्ट बेसिस पे हो सकता है या ज्योग्राफिकल बेसिस पे हो सकता है तो मेट्रिक्स स्ट्रक्चर बेसिकली इसका अकॉर्डिंग टू एंड स्नो इसका आंसर मेट्रिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में है और अब यहाँ पे हमने डिफेंडर ऑर्गेनाइजेशन में देखा था कि जनाब वहां पे कॉस्ट कंट्रोलर जो हैं या प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट के यहां ओवरऑल टॉप मैनेजमेंट उनके पास होती है ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा था कि उसमें फोकस इनोवेशन पे है तो मार्केटिंग वाले या फिर आरएनडी वाले टॉप पे होते हैं कि फिर वही ऑर्गेनाइजेशन का फ्लेवर और एट्रीब्यूट डोमिनेट हो जाते हैं अब एनालाइजर के पास क्या होगा इसने दोनों को रिटेन करना है. तो फिर यहाँ पे जो चीज कहा जाती है तो तो वो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में फोकस जो है वो दोनों आस्पेक्ट पे है प्रोडक्ट के में दोनों आस्पेक्ट हैं कि उसमें कंट्रोल कॉस्ट एफिशिएंसी का आस्पेक्ट और एट द सेम टाइम इनोवेशन और रिसर्च का आस्पेक्ट दोनों को रिटेन करना तो यहाँ पे जो फिर पोर्टफोलियो बनेगा तो वो प्रोडक्ट मैनेजर का बनेगा तो प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो किस प्रोफेशन से लोग आएंगे दैट इज इंपॉर्टेंट तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सम uh, इसमें जो डोमेंसी है या इसमें जिस प्रोफेशन से वो मार्केटिंग एंड आर एंडी वाले बट एट द सेम टाइम फंक्शनल फोकस को भी इग्नोर नहीं किया जाता तो ये क्वेश्चन uh, था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम का और ये उसका सोल्यूशन था तो हेड ऑफ दी फंक्शनल यूनिट्स मोस्ट नोटेबली दे आर प्रोडक्ट मैनेजर यूजली हाउस इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू फॉर्म अ बैलेंस्ड डोमिनेंट कोलिशन तो जो डोमिनेंट कोलिशन की अब ये बात होती है तो आप कह रहे होंगे ये डोमिनेंट कोलिशन का वर्ड ये इसमें क्या है तो ऑर्गेनाइजेशन में जो इलीट है ऑर्गेनाइजेशन की वो बेसिकली एक कोलिशन होता है जो मिल के रूल करते हैं तो उसकी कम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन तो में विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो डोमिनेंट कोलिशन है उसके एट्रीब्यूट क्या है यानी उसमें किस किस प्रोफेशन के लोग डोमिनेंट है एंड दोज द टॉप सीनियर एंड टॉप एग्जेक्टिव जनरल मैनेजीरियल लेवल पे या डायरेक्टर लेवल पे या टिपिकल जो अमेरिकन मल्टीनेशनल है उसमें वाइस प्रेजिडेंट का लेवल हम आइडेंटिफाई करते हैं सीनियर एग्जेक्टिव लेवल ठीक है अपर मिडिल लेवल मैनेजर्स तो जो हमारे यहां उसे आप जनरल मैनेजीरियल लेवल भी आप कह सकते हैं या डायरेक्टर लेवल भी कह सकते हैं जो टॉप मैनेजर्स या जो सीओ uh, uh, से सम एक स्टेप या एक या दो लेयर्स नीचे होते हैं तो ऐसे ये uh, जो मैनेजीरियल लेवल है ये डिटर्मिन करता है और ये स्ट्रेटजी पे इम्पैक्ट इनका ज्यादा होता है एज uh, अगेंस्ट तो ये डिबेट है बाहर जनाब सी स्ट्रेटेजी फॉर्मोलेशन में ज्यादा रोल होना चाहिए या मिडिल लेवल मैनेजर्स या ये बॉटम अप प्रोसेस किस तरह ऑर्गेनाइजेशन uh, में कंफिगर होनी चाहिए बात हो रही थी डोमिनेंट कोल्यूशन की तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेंट कोल्यूशन की एट्रीब्यूट होती है तो वो बेसिकली डिसाइसिव रोल प्ले करता है जो डोमिनेंट आप इस तरह समझ लें कोलिशन ऑफ uh, जिसे रूलिंग पार्टी हम कहते हैं ना उस हवाले से ऑर्गेनाइजेशन एट टाइम्स जो पहले मैं आपको भी बता चुका हूं ऑर्गे गवर्नमेंट गवर्नमेंट में क्या होता है कि उसमें एक रूलिंग पार्टी होती है और एक ऑपोजिशन होती है तो so, ऑर्गेनाइजेशन में भी एट द सेम टाइम ऐसे एक डोमिनेंट पोल्यूशन है और फिर एट सेम टाइम ऑपोजिशन चाहे वो बिजनेस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो मल्टी नेशनल हो प्राइवेट सेक्टर हो हाँ ये है कि उस अपोजिशन की मैनिफेस्टेशन डिफरेंट होगी वो ऐसी ऑपोजिशन नहीं होती लेटेंट होती है एट टाइम्स ठीक है चीजें नजर नहीं आती बटाइ वो, 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 वो मतलब मखफी फॉर्म में होती है वो ऐसे जाहिर एक्सट्रेनियस लेवल पे ऑपरेट नहीं करते जैसे कि हम गवर्नमेंट में देखते हैं या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में देखते हैं तो बात इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी एक डोमिनेंट पोल्यूशन होता है जो कंपेटिटर्स का होता है जो सप्लायर्स होते हैं वेंडर्स होते हैं कंज्यूमर्स होते हैं इनका कॉम्बिनेशन ये भी एट टाइम्स डोमिनेट कोलिशन के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है एनी anyway, वे बात हम कर रहे थे एनालाइजर की तो यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर का इन्फ्लुएंस फंक्शनल मैनेजर से ज्यादा होता है और प्रोडक्ट मैनेजर का बेसिक काम यही है कि प्रोडक्ट मार्केट डोमेन तलाश करे इनोवेशन की सर्च हो और फिर उस पर एग्जीक्यूशन हो और फिर वो इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन वालों को डायरेक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट मैनेजर है ही स्टेज एट सिमिलरली ये बात तो हो गई एनालाइजर की अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में उसने सम थोड़ा कम डिस्कस किया है लेकिन एट द सेम टाइम क्लासिफिकेशन में उसे जगह दी है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं फोर्थ टाइप जिन्हें हम रिएक्टर के तौर पे कहते हैं अब रिएक्टर का मतलब क्या है कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं जो कि फेल हो जाती हैं यानी ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्ट मार्केट डोमेन रिटेन करने में जब एनवायरमेंट चेंज हो जाए तो फेल हो जाए ना वो डिफेंडर रहे ना वो एनालाइजर रहे ना वो प्रोस्पेक्टर रहे बल्कि वो फ्लॉप ऑर्गेनाइजेशन या फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है कि वो चेंज को सस्टेन नहीं कर पाए तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम रिएक्टर uh, के रिएक्टर uh, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और इसकी माइल्स एंड स्नो ने बेसिकली थ्री रीजन आइडेंटिफाई किए हैं नंबर वन रीजन इज टॉप मैनेजमेंट में नॉट हैव क्लियरली आर्टिकुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन और इसकी एग्जाम्पल में वो कहते हैं जी फॉर एग्जाम्पल के अगर कंपनी नॉर्मली देखें जी एंटरप्रोरियल आस्पेक्ट uh, से जब वो अपने आप को इस्टिश करते हैं तो फाउंडर जो होता है वो उसका बहुत ज्यादा विजन होता है तो फाउंडर को हम प्रोस्पेक्टर के तौर पे भी कह सकते हैं फाउंडर तो मेंबर है उसका विजन है और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव और उसके मार्केट को देखने के स्किल्स हैं और वो कामयाब होते हैं एंड वॉट हैपन जब वो विजनरी पर्सन या प्रोस्पेक्टर जिसके पास इमेंस पर्सनल लेवल पे स्किल्स हैं और वैल्यूज हैं कि वो मार्केट को इंगेज कर सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन को और उसमें ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब कर सके तो वट हैपन के अगर उसके साथ इंसिडेंटली कुछ हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो वट हैपन आफ्टर तो वो एक स्ट्रेटेजिक वॉय आ जाता है तो पहला रीजन जो माइल ने रियक्टेड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का आइडेंटिफाई किया है वो ये है कि उसके बाद क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेसर है अब सक्सेसर का रोल भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है यानी एक आदमी एक पोजिशन को या सीईओ हो या ओनर हो वो छोड़ के चला जाए और उसके बाद उसको जो रिप्लेस करे तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम इसको आइडेंटिफाई किया जाता है इवन डिस में इसको इंक्रीमेंटल या कंटिन्यूस चेंज में नहीं लिया जाता सक्सेशन के इशू को बल्कि सक्सेशन जो है वो दोबारा अगर आ गया नया सीईओ तो मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल टर्न अराउंड के लिए भी न्यू सीईओ को अपॉइंट किया जाता है तो एनीवे anyway, हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो फर्स्ट रीजन है हमारे यहाँ अपने आप कॉन्टेक्स्ट में देख लें एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एक सेठ ने स्टेब्लिश किया है वॉट हैपन चला गया तो उसके बाद उसके बेटे आए उनका वो विजन वो स्किल्स वो पर्सनालिटी वो उनके पास ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी वो नहीं रही वो और वो इंस्टीट्यूशंस भी इस्टेब्लिश नहीं हुए होते वन वॉट व्हाट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चीजों को या उसके बाद जो सीईओ आएगा या उसके सक्सेशन में जो लोग आएंगे तो वो उनके पास वो रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज नहीं होती विद रिजल्ट दे ऑर्गेनाइजेशन टेन टू फेल नाउ सेकेंड रीजन management does not fully shape the organization structure and process to fit a chosen strategy and strategy is mere statement not a guide to behavior and moreover the functional strategies are not aligned a typical case hsm organization or structure or strategies are have fully aligned hai. like organization can there different functional departments or functional areas hai. उनका आपस में कोई रब्त नहीं है उनका आपस में कोई स्ट्रांग uh, लिंकेज नहीं है और वो अपने आप को होलिस्टिकली एक नहीं देख सकते बल्कि वो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज परसू करें उनका आपस में इंटेग्रेटेड लिंक नहीं है तो ये भी एक स्ट्रेटेजिक फेल्योर का या रिएक्टर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉब्लम है कि वो इतना डिफ्रेंशिएट कर जाए टू लूज साइट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल यूनिट एज ए वन यूनिट ये इसका प्रॉब्लम है और जो स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट है वो एक स्टेटमेंट है लाइक like हमारे यहाँ ट्रेंड क्या है कि अगर अब फॉर इंस्टेंस ये जो रिसेंट ट्रेंड आया है कि आई एसओ सफिकेशन कंपनीज करा रही है या स्ट्रेटेजिक uh, मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव में अपने आप को रीओरियंटेशन करने की कोशिश करें तो उसमें क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि एक कंसल्टेंट को बुला लें उन्हें अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स मार्केट ये दिखा के एक खूब उन्हें कंसल्टेंट को कहा जाए कि जनाब आप एक अच्छी सी खूबसूरत सी जो है वो स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए तैयार तो करें या मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट्स लिखें या फिर इससे भी ज्यादा सिंपल है कि आप किसी अच्छे वो इंग्लिश के राइटर को बुला लें और उन्हें अपना थोड़ा सा चीजें बता दें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की और, और फिर उन्हें कहें कि जनाब आप हमारे लिए स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट्स लिखें इसके ऑब्जेक्टिव्स या इसके मिशन और विजन स्टेटमेंट्स लेके ये तो स्टेटमेंट के लेवल तक हम बहुत जल्द यानी को और एक्सटर्नल चीजों को बहुत जल्द हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन इनफैक्ट वो हमारे बिहेवियर का पार्ट नहीं है और स्ट्रेटेजी को हमने फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व नहीं किया डिफरेंट लेवल्स पे लोअर लेवल मैनेजर मिडल लेवल मैनेजर क्रॉस फंक्शनल वे में आपस में बैठ के और फिर सीईओ के साथ डिसाइड करें कि जनाब हमारा मिशन ये है और इस प्रोडक्ट मार्केट डोमेन में रहेंगे और इन इन ज्योग्राफिकल एरियाज और टेरिटोरियल उसमें यूनिट्स में हम ऑपरेट करेंगे और इसमें नहीं जाएंगे और इस प्रोडक्ट्स में हमारा समवर्ड कंसर्न नहीं है ये स्ट्रेटेजी है जो कि इवॉल्व होती है फ्रॉम विद इन तो हमारे यहां इसका कॉन्टेक्स समवर्ट डिफरेंट है तो ये चीज अगर स्ट्रेटेजी इज मेयर स्टेटमेंट और उसका एक्चुअल जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन है उससे कोई ताल्लुक ना हो तो यह भी एक फेल्यूअर का बायस बनता है थर्ड रीजन आइडेंटिफाइड इज एंड दैट इज एन अल्टीमेट कॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी माइज ने उसको आइडेंटिफाई किया द अल्टीमेट कॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड फेल्यूअर बिकॉज ऑफ टेंडेंसी फॉर मैनेजमेंट टू मेंटेन दी ऑर्गेनाइजेशन करंट स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप डिस्पाइट

तो रिएक्टर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो थर्ड पॉइंट है uh, इसको उसने uh, ज्यादा वेटेज दिया है ऑथर्स uh, ने और कहा है कि ये एक सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी है जब एनवायरनमेंट चेंज हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन अपने पुराने तरीके से पुरानी टेक्नोलॉजी से पुराने मैनेजरियल प्रोसेसेस से उस पर ही रिलाय करे और रिफ्यूज करे कि जी एन्वायरमेंट चेंज हो गया तो ये भी एक सूरत है ऑर्गेनाइजेशन फेलियोर की तो ये बात थी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल एडेपेशन के हवाले से और स्टूडेंट्स uh, आपने ये देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल अडेप्टशन पैराडाइम और इसकी कम्पेटिबिलिटी है बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पैराडाइम है तो एक स्ट्रेटेजिक uh, मैनेजमेंट की डेफिनेशन ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंटिन्यूसली अपने आप को इवॉल्व करें अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट और ये एवोल्यूशन सिर्फ एक्सटर्नल लेवल पे ना हो बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा हो तो इस चीज को कुछ स्कॉलर्स ने इस तरह कहा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हैज नॉट ओनली टू डील विद एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एस्पेक्ट बट ऑल्सो हैज टू डील इंटरनल डायनामिक्स इंटरनल डायनामिक्स में फिर स्ट्रक्चर uh, आ जाता है उसमें प्रोसेस आ जाता है उसमें टेक्नोलॉजी आ जाती है और उसमें पीपल आ जाते हैं अब कॉम्प्रिहेंसिवली अगर आप स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट या चेंज मैनेजमेंट अब दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूं कि चेंज मैनेजमेंट या क्योंकि ये एक ओवरलैपिंग पार्ट है तो उसको अगर आप देखें तो चेंज uh, मैनेजमेंट का बेसिक जो फिलॉसफी है वो यही है कि जी हाउ टू फॉर्मुलेट गुड स्ट्रेटेजीज हाउ टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो अब इसको मैं कॉम्प्रीहेंसिवली आपको अगेन कुछ वेरिएबल्स बता रहा हूँ कि वट इज मैंट बाय चेंज मैनेजमेंट Organizational adaptation by looking uh, from the ad ad organizational adaptation perspective. That is to manage organization strategically. So, strategic management kya? That is basically to deal with following variables. Number one, strategy. Okay? Coming up with the appropriate strategy. Then, structure. Then, process. Then, technology. A related part of technology. And then, people. So, these four, five, five aspects hai, comprehensively. इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को अडेप्ट करना है और अपने आप को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना है तो यही चीज हम इस माइल्स एंड स्नो का जो क्लासिकल आर्टिकल है उसमें हम देख चुके हैं कि अडेप्टिव साइकिल उसके एट्रीब्यूट क्या हैं और एट द सेम टाइम जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के परस्पेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को तीन या चार कैटेगरी में फॉलो करती है वो डिफेंडर है वो प्रोस्पेक्टर है वो एनालाइजर है और अगर अपने आप को कामयाब ना कर सके ये तो सक्सेसफुल केस था तो फिर रिएक्टर है ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑर्गेनाइजेशन फेल्स फेल्स टू इवॉल्वेंगे तो ये बात थी कि ऑर्गेनाइजेशनल एडप्टेशन स्कूल जो है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्कूल के करीबतर है अब इसमें फर्दर हम अगर आगे चले और इसी को देखें तो इस चीज को हम देख चुके हैं ग्रीनर मॉडल में आपको याद होगा ग्रीनर मॉडल पे हमने एवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनरी चेंजेस की बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में किस तरहरी चेंजेस आए तो वहां से असल में जो भी कोई स्कूल ऑफ है एकेडमिक्स में या नॉलेज क्रिएशन में हम देखते हैं कि जब कोई स्कॉलर कोई ऑथर इंडिविजुअली uh, या कलेक्टिवली एफर्ट करें कि एक हमने एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क डिवेलप करना है कि रियल लाइफ में जो या बिजनेस कंसर्न में जैसे हमारा कंसर्न है या ऑर्गेनाइजेशन में चीजें किस तरह एक्चुअली हो रही हैं उसके लिए फिर उन्हें थेटिकल सपोर्ट चाहिए ठीक है तो ये री करता है कि अगर डिफरेंट स्कॉलर्स ने इंडिपेंडेंटली रिसर्च की और फिर इवेंचुअली वो सारी रिसर्च कन्वर्ज हो रही है तो ये री एनफोर्सिंग होती है री होती है कि ठीक है ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट जैसे ग्रीनर का कॉन्सेप्ट था जैसे ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल में स्टेज ऑफ एवोल्यूशन है एंड स्टेज ऑफ रेवोलूशन इन ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मैं अपने अर्लीर लेक्चर्स में बियर्ड एंड मैशुलम का जो मैं बात कर चुका हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल के, के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन कैसे इंटरनेशनली ग्रो करती हैं मल्टीनेशनल कैसे मल्टीनेशनल बनती हैं वो फिर ग्रीनर मॉडल और फिर ये माइल्स एंड स्नो की टाइपोलॉजी ये सारी एक दूसरे को री इनफोर्स करती तो फिर ये पता चलता है कि जनाब ये स्कूल जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है और ये रियालिटी को ज्यादा अच्छी तरह डिपेक्ट कर रहा है इसी चीज पे हम अपने आज के इस सेशन में मजीद बात करेंगे कि इसमें अब इश्यूज कौन से आते हैं जब ऑर्गेनाइजेशनल एडेप्टन स्कूल अगर पावरफुल है और रियालिटी को ज्यादा अच्छी तरह डिपेक्ट कर रहा है और फिर ये टाइपोलॉजी है डिफेंडर एनालाइजर प्रोस्पेक्टर रिएक्टर तो फिर पॉइंट कहाँ पे आता है ठीक है तो पॉइंट जो एक अब आगे चल के हमारे इस सेशन में आएगा वो ये कि इस एडेप्टन प्रोसेस क्या है और एडेप्टेशन जो स्टेट ऑफ एडेप्टन है इसके एट्रीब्यूट क्या हैं एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट तो हम इस तरह रिलेट करते हैं जिसको हमने डिफेंडर एनालाइजर प्रोस्पेक्टर रिएक्टर के तौर पे कहा या एडमिनिस्ट्रेटिव साइकिल के एट्रीब्यूट कहा तो फिर बात आएगी कि जनाब अगर ये चीजें इस तरह हैं तो फिर एडेप्टेबिलिटी के डिटर्मिनेट्स क्या है यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को किस तरह उसकी अडेप्टिव कैपेसिटी बढ़ जाए या किस तरह अपने आप को अडेप्टिव मोड में ले आए या अपने आप को सक्सेसफुली एनवायरनमेंट से अडेप्ट करे तो फिर उसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं यानी हमने सक्सेसफुल केस देखा हमने रिएक्टर के तौर पे भी स्टडी किया कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों फेल होती है तो एक और स्कॉलर है उसने बात की है एक और छोटा सा मॉडल है जिसकी मैं अभी बात करूंगा जी डिटर्मिनेट्स ऑफ बेसिकली ऑर्गेल्टेशन या डिटर्मिनेट्स ऑफ एडेपेशन या डिटर्मिनेंट्स ऑफ अडेप्टिव प्रोसेस याबिलिटी वो क्या क्या है तो इनपे हम आगे चल के बात करेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको एक लीडिंग स्ट्रेटेजिस्ट है उसका क्वेश्चन यहाँ पे रेज करूंगा कि आप देखें क्वेश्चन है और फिर सोचें कि इसके पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं नाउ द क्वेश्चन इज

एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से मैं आपको बहुत इजी उसका सोल्यूशन बता रहा हूं कि हर क्वेश्चन में कुछ की वेरिएबल्स हैं वो अंडरस्टैंड करें कि जनाब की वेरिएबल्स कौन है कौन से हैं और फिर उनके गिर्द आंसर रिवॉल्व करता है तो यहाँ पे की वेरिएबल क्या है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेज ठीक है और दूसरा की वेरिएबल क्या है कि इफेक्टिव रिस्पॉन्स यानी इफेक्टिव होना ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स अचीव करने तीसरा अनएंटिस सरप्राइजेज यानी ऐसे सरप्राइज इन्वायरमेंट और ये इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहा है कि एनवायरमेंट में हमेशा एक सरप्राइज का एलिमेंट होगा तो उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे पास वेरियस रिसोर्सेज हैं मटीरियल के फॉर्म में और ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी के फॉर्म में टेक्नोलॉजी के फॉर्म में स्ट्रेटेजी के फॉर्म में और जैसे स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट्स होता है और वे वे ऑफ एक्शन है या इंटेंशन है कि हम किस तरह ये प्रोसीड करेंगे लोगों के फॉर्म में लोगों के स्किल्स मैनेजर्स एम्प्लॉज उनके स्किल्स डेट मैटर तो ये कन्फिग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज है दैट इज इंटरनली गवर्नड इंटरनली इंटरनल की बात जब हम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन तो ये बेसिकली है तो so, इसका आगे चल के आंसर एक छोटा सा मैं आपको मॉडल बताऊंगा कि ये मॉडल पे अगर हम गौर करें एक और स्कॉलर ने मॉडल दिया है अब तक तो हम माइल्स एंड स्नो की बात करें एक और स्कॉलर है उसने भी अपना एक छोटा सा मॉडल दिया और फिर वो हम माइल्स एंड स्नो की जो मॉडल है या टाइपोलॉजी है उससे हम सम व्हाट कंपेयर कर सकते हैं कि उसकी फाइंडिंग्स भी इसी क्लासिकल आर्टिकल के करीब करीब हैं तो अब इससे पहले मॉडल से पहले मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी एक मजेदार किस्म की स्लाइड दिखाना चाहता हूं कि वो स्लाइड क्या कहती है अकॉर्डिंग टू काइट एंड मार्च दक्सेसफुल स्ट्रेटेजी इट्सल्फ वुड बी अ डी स्टेबिलाईजिंग इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑन दैट स्ट्रेटेजी बिकॉज ऑफ दि सरप्लस और स्लैक अब काइट एंड मार्च मार्च ये दो साहब हैं जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं और इन्होंने बहुत काम किया है मैनेजमेंट में और इनको आप रेफरेंस आपको जगह जगह मिलेगा अगर आप रिसर्च आर्टिकल्स देखें तो इन दो साहबान ने अब यहाँ पे क्या ये स्टेटमेंट दी है कि जो सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है वो भी उसके अंदर जो पोशीदा चीजें होती हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रेटेजी की वजह और उसकी सक्सेस की वजह से उसे डिस्टेबलाइज करती है ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ना कि आपकी कामयाबी में ही आपकी नाकामी के असर पोशीदा है यानी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी टेंड टू डी स्टेबिलाई दैट वेरी स्ट्रेटेजी वाई क्या उसकी रीजन क्या है रीजन है कि बिकॉज़ इट क्रिएट्स अ सरप्लस और स्लैक तो ये ऑर्गेनाइजेशनल पर स्लैक पर भी रिसर्च uh, हुई है और कुछ स्कॉलर्स ने इस पर भी काम किया है और हम अपने आने वाले आइंदा सेशन में इस पर बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्लैक का कॉन्सेप्ट क्या है लेकिन यहाँ पे हम पार्शली थोड़ी सी बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्लैक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी क्रिएट्स अग इफेक्ट इट्स सक्सेस एंड ओइंग टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ स्लैक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट uh, थी एंड आई थॉट इट टू शेयर विद यू पीपल सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी जो है वो खुद डिस्टेबिलाईज करती है किस वजह से स्लैक की वजह से और ये स्लैक का कॉन्सेप्ट क्या है स्लैक ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जब सक्सेस अटेन करती है या इसमें एक्सेस कैपेसिटी जब जनरेट होती है ऑर्गेनाइजेशन वो स्लैक मॉनिटरी टर्म्स में भी हो सकता है प्रॉफिट के फॉर्म में भी हो सकता है वो आप ये देख सकते हैं एनर्जी एंड एफर्ट्स की टर्म्स uh, में भी हो सकता है कि मैनेजर जो है अपने ऑल आउट एफर्ट्स के लिए नहीं जाते बल्कि कुछ अपने आप को विदहल्ड करते हैं तो एक एक्सेस कैपेसिटी होती है यानी दे कैन डू मोर दे कैन अचीव मोर तो जब स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल uh, हो तो उसकी वजह से जो सरप्लस uh, क्रिएट होता है तो सरप्लस को फिर देन वी नीड टू इन्वेस्ट इट समेयर वो टाइम की फॉर्म में भी हो सकता है कि जब आप सक्सेसफुली अर्लियर अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर ले तो फिर क्या होता है कि जनाब आपके पास टाइम स्लैक मिलता है इनर्जी एंड एफर्ट्स के हवाले से भी हो सकता है और एक्चुअल टेंजेबल फॉर्म में भी प्रॉफिट के फॉर्म में भी हो सकता है कि वो प्रॉफिट जो आप मिलते हैं आप वो दैट यू नीड टू री इन्वेस्ट तो री इन्वेस्ट कहाँ किया जाए तो फिर उसके लिए देन यू लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज तो इट मीन के ये ऑर्गेनाइजेशन स्लैक क्रिएट करती है इवन अ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी और वो भी फिर डिस्टेबिलाई इफेक्ट होता है यानी वो आपको चेंज करने पे मजबूर करती है यानी वो आपका जैसे आप देखते हैं ना कि मोबिलिटी आ रही है इंडिविजुअल में और वो उस मोबिलिटी के बाद उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है वाई इस पर मैं अपना फर्दर बात आपसे आने वाले से करूंगा लेकिन हम अब चलते हैं उस मॉडल की तरफ जिसका क्वेश्चन पहले मैंने आपको किया था कि जनाब ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज की कन्फिग्रेशन कैसे करती है तो आंसर लाइज इन दिस मॉडल सो लेट्स लुक दिस मॉडल So, this is a skeletal model of adaptation. Here we have a couple of boxes. Subsejo top level page of box state of adaptation. Underneath it we have another box uh, process of adaptation, and third is adaptive ability. So, state of adaptation, then we have process of adaptation, and third is adaptive ability. राइट right साइड पे आप देखेंगे जो स्टेट ऑफ एडेप्टेशन है उसके साथ एक छोटा सा बॉक्स है उस पर लिखा हुआ है स्टोरेज ऑफ स्लैक यानी जो स्टेट ऑफ एडेपन है वो आपको ले जाएगी स्लैक uh, की तरफ और स्लैक को मैंने पार्शली अभी एक्सप्लेन किया है और ये जो डाउनवर्ड एरोज हैं डॉटेड लाइन के साथ ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन इज इन ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर यानी अपने वो प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन में ऑर्गेनाइजेशन मूव कर रही है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर अब स्टेट ऑफ एडेप्टन क्या है इसके बारे में हम एक टाइपोलॉजी तो हम माइल्स एंड स्नो की ले सकते हैं कि जनाब ये एक स्टेट है डिफेंडर प्रोस्पेक्टर एनालाइजर रिएक्टर तो बायोलॉजिकल सेंस में अगर इसकी डिफिनेशन देखें तो वो डिस्क्राइब करती है कि स्टेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिजम ये बायोलॉजिकल सेंस में इसकी डेफिनेशन है इसको आइडेंटिफाई करते हैं स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस कॉन्टेक्ट में डेफिनेटली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सर्वाइव इन एन एनवाइ विच बी वेरी हॉस्टाइल टू इट जिसमें सारी फोर्सेज बड़ी हॉस्टाइल हो और ऑर्गेनाइजेशन का कंसर्न अपने आप को सर्वाइव करना है तो ये सर्वाइवल के साथ बेसिकली एसोसिएटेड है ये सर्वाइव करना है ऑर्ड कंडीशन में हॉस्टाइल कंडीशन में ये ऑर्गेनाइजेशन का concept. इसी चीज को हर्बर्ट सिमन ने एक अपनी टाइपोलॉजी दी है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को अडेप्ट करना है तो उसके थ्री स्टेट्स हैं और वो स्टेट्स कौन सी हैं और वो माइल्स एंड स्नो की टाइपोलॉजी से खासी मिलती जुलती हैं तो दीज आर नंबर वन पैसिव इंसुलेशन अब ये टर्मिनोलॉजी आप देखें पैसिव इंसुलेशन जिसको माइल्स एंड स्नो ने कहा है डिफेंडर नंबर रिएक्टिव नेगेटिव फीडबैक दिस इज एनालाइजर नंबर थ्री प्रिडिक्टिव और प्रोएक्टिव प्रोएक्टिवेशन दिस इज प्रोस्पेक्टर तो ये माइल्स हर्बट सिमन का जो कॉन्सेप्ट है अगेन माइल्स एंड स्नो की जो एडेप्टन की टाइपोलॉजी है उसको री करता है इसी को एक और ऑथर ने इसको आइडेंटिफाई किया है द फर्स्ट स्टेज को उसने कहा है डिफेंडर वाले को स्टेबल स्टेट ऑफ अडेप्टेशन है डिफेंडर का पूरा सिनारियो जहन में ले आए तो वो क्या डिपेक्ट करता है स्टेबल स्टेट ऑफ एडाप्टेशन देन वी अनस्टेबल स्टेट ऑफ एडेपेशन एंड देन न्यूट्रल स्टेट ऑफ एडेपेशन ये तीन जो टाइप्स हैं यानी हर्बर्ट सिमन की माइल स्नो की एंड दिस वन स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल ये इक्विवलेंट کے طور پہ لی جا सकती ہیں

कर रहे थे तो उसको उसने स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेल्टीफाई का है और नहीं? के सारी जितनी जी स्टेट ऑफ एडेप्टन है ये थ्री जो स्टेट्स को हमने मोस्ट कॉमनली बात की है या जिसका अब तक हम तस्करा कर चुके हैं इनकी एक ही लेवल पे इम्यूनिटी नहीं है तो Uh, किसी स्टेट की स्टेट ऑफ एडेप्टन की इम्यूनिटी जो होगी ना uh, इम्यूनिटी यानी रेजिस्टेंस के वो सर्वाइव करने की जो है वो ज्यादा होगी और किसी की कम फॉर इंस्टेंस न्यूट्रल स्टेट हैज द दाइस्ट इम्यूनिटी फॉलोड बाय द स्टेबल एंड देन द अनस्टेबल स्टेट ऑफ एडेप्टन न्यूट्रल स्टेट की अडेप्टन सबसे हाई होगी और फिर स्टेबल स्टेट ऑफ एडेप्टन में इम्यूनिटी होगी उसके बाद और फिर हम अब अब ये लेवल ऑफ इम्यूनिटी के साथ हम रिलेट कर रहे हैं और सर्वाइव सर्वाइविलिटी के चांसेस पे हम बात कर रहे हैं सो so, फिर ये क्वेश्चन एक बड़ा नेचुरल सा आता है कि अगर ये ही अडेप्टेशन की टाइप्स हैं तो फिर सारी ऑर्गेनाइज फिर ऑर्गेनाइजेशन फेल क्यों होती है सारी फर्म्स जो है वो वाई डोंट दे शो प्रेफरेंस फॉर सीकिंग एन आइडियल ऑप्शन आइडियल स्टेट ऑफ एडाप्टेशन के लिए सारी फॉर्म्स क्यों नहीं जाते हैं? तो ये बड़ी कॉमन uh, क्वेश्चन uh, है फिर वो बात आ जाएगी कि ऑर्गेनाइजेशन डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर एडेप्टेबिलिटी तो इसका बड़ा सिंपल सी एनालॉजी है फॉर इंस्टेंस टीचर जो है वो क्लास में uh, एक ही लेक्चर सबको देता है तो सारे स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं करते या सारे ए ग्रेड क्यों नहीं लेते हालांकि स्टूडेंट्स के लिए तो एनवायरमेंट सबके लिए एक जैसा है वही इदारा वही टीचर वही फैसिलिटीज़, वही रिसोर्स सबको वही फैसिलिटीज़ तो फिर सारे स्टूडेंट्स ए ग्रेड क्यों नहीं लेते पॉइंट तो ये है कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेटेजी में डिफरेंस है तो यहां और उनके लेवल ऑफ एडेप्टिटी में डिफरेंस uh, है तो ये इस बेसिकली uh, क्वेश्चन को मैं आंसर इस एनालॉजी से दूंगा कि टीचर स्टूडेंट की एनोलॉजी जो है uh, या ये मेटाफर यूज करते हुए मैं इस क्वेश्चन uh, को आंसर uh, करूँगा कि सारी स्टे uh, की या ऑर्गेनाइजेशन की एक जैसी अडेप्टिव कैपेबिलिटी अडेप्टिव कैपेसिटी नहीं होती बल्कि वो डिफर करते हैं इसी तरह जिस तरह स्टूडेंट्स डिफर करते हैं इन देयर परफॉर्मेंस एंड आउटकम जबकि सारा इन्वायरमेंट और उसके लिए टीचर या रिसोर्सिस एक ही होते हैं इसका फॉर्मल आंसर इस तरह है ऑफ अडेप्टन डिपेंड ऑन इट कमांड्स नंबर टू

डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो उनकी मैनेजमेंट स्टाइल मैनेजमेंट कल्चर मैनेजमेंट प्रोसेसिस डिफरेंट है जो कि स्टेट ऑफ एडेपेशन को इंफ्लुएंस करती है नाओ द क्वेश्चन इज विच आई अर्यर रेस्ड एंड आई अर्यर मैं वट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडेप्टन और अडेप्टिविलिटी यानी अडेप्टिविलिटी के डिटर्मिनेट्स कौन से हैं तो अब हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं तो इसका सबसे पहले तो इसका एक आंसर हमें मिलता है कि जी जो लॉरेंस एंड लॉश का फ्रेमवर्क है बहुत फेमस उसने बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन जो है वो वर्टिकल डिफरेंशिएशन भी है और हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन भी है और इसको ओवरकम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इंटीग्रेशन की एफर्ट्स करनी होंगी इस चीज पे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि डिफ्रेंशिएशन लेवल अगर बहुत हाई होगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेशन की नीड भी हायर होगी और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग की जरूरत है या क्रॉस फंक्शनलिज्म की जरूरत है इसके लिए क्रिस्टनसन ने एक और कॉन्सेप्ट दिया वो क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी एबिलिटी जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड uh, करती है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है अगेन दैट इज कम्पोज ऑफ डिफ्रेंशिएशन एंड इंटेग्रेशन और इसको रीलेबल किया एक और स्कॉलर ने जी एज एन ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी जनाब ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि वो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपेसिटी हो टू हैव कि वो अपने आप को एनवायरमेंट के साथ एडेप्ट कर जाए अब ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी जो है वो किन चीजों पे बेस करती है वो करती है मटेरियल रिसोर्सिस पे जनाब ऑर्गेनाइजेशन के अपना टेक्नोलॉजी क्या है उसके इनपुट्स क्या है मटीरियल टर्म्स में जो एक्चुअल रिसोर्सेज है यानी कौन सी रिसोर्सिस उसके पास हैं और अगर इवन इसका एक और आंसर इस तरह भी मिलता है कि ऑफ रिसोर्सिस क्योंकि अक्सर आप आ, देखेंगे तो लैक ऑफ रिसोर्सिस की बड़ी कंप्लेंट आती है रियल लाइफ में जनाब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट कर सकें हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम ट्रेंड मैन पावर हायर कर सकें हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें और इस वैक्यूम या अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लाइड कर सकें सो अगेन ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी मटीरियल और फिर दूसरी चीज को कहा गया वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकती है और मटेरियल कैपेसिटी यानी नॉन अवेलेबिलिटी में भी हो सकती है कि किस किस चीज में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लैक करती है और दूसरी चीज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी है कि फर्म की ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी क्या है इसमें वही चीज आ जाएगी जिसको टाइम एंड अगेन वी हैव डिस्कस सो मैनी टाइम्स कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इंटरनल प्रोसेसिस डिमांड मैनेजमेंट प्रोसेसिस क्या है या डिपार्टमेंट्स जो है वो एक दूसरे से किस तरह इंटरलॉकड है उनके कॉपरेशन क्या है और ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीजर्स क्या है या इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या कैसे हो रही है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज क्या है तो ये सारी ऑर्गेनाइजिंग कैपैसिटी में आ जाएगी एक और चीज जिस पे हाईलाइट किया है एक स्कॉलर ने उसे कहा है कि जनरलाइजेबिलिटी ऑफ कोर टेक्नोलॉजी यानी फर्म की जो एडप्टिवेबिलिटी है वो जनरलाइजेबिलिटी ऑफ कोर टेक्नोलॉजी है कि अगर फर्म जो है वो एनवायरनमेंट में चेंज हो रही है तो वो एक्सटेंट ऑफ जनरलाइजेबिलिटी क्या है कि वही टेक्नोलॉजी दूसरे प्रोडक्ट डोमेन्स में भी दूसरी मार्केट्स में भी और दूसरी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी अप्लाई हो सकती है तो एडेप्टिवेबिलिटी में हम देखते हैं कि जर्नलाइजेबिलिटी ऑफ कोर ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट और कोर ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी के उसका स्प्रेड भी या उसकी जर्नलाइजेबिलिटी को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है वो किस हद तक वो डाइवर्स कंसर्न और डाइवर्स प्रोडक्ट मार्केट डोमेन्स को मैनेज कर सकते हैं दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग फाइनली वी कम टू द प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन एंड इट हैज बेसिकली टू सब प्रोसेसिस वन इज एडेप्टिव जर्नलाइजेशन एंड दी अदर इज एडेप स्पेशन अब जर्नलाइजेशन रेफर करती है अगेन ऑर्गेनाइजेशन अपनी मटीरियल कैपेसिटी और अपनी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी को किस तरह मैनेज करती है और उसमें अगर मिसफिट है तो फिट डिवेलप करे मटीरियल जो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज इनपुट हैं और फिर ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी उसमें अगर अलाइनमेंट नहीं है या फिट रिलेशनशिप नहीं है तो उसको फिट करे और ये एंट्रीब्यूट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्लैग को भी अगेन जनरलाइजेशन जो है वो अब ऑर्गेनाइजेशन की जो जिसे मैं अब कह रहा हूँ प्रोसेस ऑफ एडेपेशन वो क्या है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन स्लैग को भी ऑर्गेनाइजेशन एसेंशियली अच्छी तरह मैनेज कैपेसिटी है जो सरप्लस है सरप्लस ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट्स जो है उसको सही तरीके से मैनेज करे तो उसको फिर हम कहते हैं अडेप्टिव जर्नलाइजेशन अडेप्टिव स्पेशन का वेरिएबल कॉलर ने इंट्रोड्यूस किया है जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में यानी कि एक स्ट्रेटेजी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है और फिर वो अपने आप को एडेप्ट करती है टू डिफरेंट स्ट्रेटेजी जब एनवायरनमेंट चेंज हो जाए तो फिर उसमें ये एबिलिटी और ये कॉम्पिटेंसी हो कि वो एक चेंज एनवायरमेंट के साथ अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फिट अटेन करे तो इस चीज का नाम एडेप्टिव स्पेशन है तो स्टूडेंट्स इस नोट के साथ हम आज का अपना सेशन खत्म करना चाहेंगे कि जहां पे हमने माइल्स एंड स्नो की टाइपोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटी के हवाले से और दोनों में अगर अप्रोप्रिएट फिट हो और दोनों में हम जो चेंजेस आ रही हैं टू इन्वायरमेंटल चेंजेस उनमें हम अप्रोप्रिएटली अगर चेंज

जिस पे हमने डिटेल बहस की है मैं आपसे इख्तिताम करना चाहूँगा और आपसे इजाजत चाहूंगा अल्लाह हाफि स्टूडेंट्स